यू आर वॉचिंग BitBNS News। हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल स्टेट में है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूजर्स को ये पता चले कि वास्तव में क्रिप्टो मार्केट्स में क्या हो रहा है। और ये जानना भी जरूरी हो गया है कि क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। तो रोज जरूर समाचार देखिए और खुद को क्रिप्टो की दुनिया में अपडेट रखिए। आज की हेडलाइंस। स्केचर्स जो कि एक ग्लोबल फुटवेयर ब्रांड है, उसने मेटावर्स में एक नया स्टोर खोला। 16 मिलियन से भी ज्यादा शिबा इनु टोकन्स को बर्न किया गया, क्योंकि शिबा इनु कम्युनिटी एक बड़े बर्न इवेंट की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क नाइट क्लब बिटकॉइन और इथेरियम स्वीकारने वाला पहला क्लब बन गया। ESPN बेसबॉल रिपोर्टर का ट्विटर अकाउंट NFT स्कैमर्स द्वारा हैक किया गया। सिंगापुर NFTs पर टैक्स वसूली करेगा, सिंगापुर के मंत्री के द्वारा कहा गया। ब्रिटेन के फाइनेंशियल अधिकारियों ने देश में क्रिप्टो ATMs के संचार पर प्रतिबंध लगाया। बिटकॉइन एक्यूमुलेशन 6.8% बढ़ने के बाद टोटल वॉल्यूम $500 मिलियन से भी ज्यादा बढ़ा। अमेरिकी अधिकारियों ने नेटवर्कर रैंसम से संबंधित $28 मिलियन का क्रिप्टो फंड जब्त किया। पॉलीगॉन हेमडाल अपडेट के बाद एक्सटेंडेड आउटेज फेस कर रहा है। स्ट्राइप ने क्रिप्टो करेंसीज और NFTs के लिए फियाट पेमेंट के सपोर्ट की घोषणा की। थाईलैंड ने क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए टैक्स रिलीफ मेजर्स की मंजूरी दी। एक वीक पहले ही शिबा इनु और डोजकॉइन AMC थिएटर्स में एक्सेप्ट होने लग गए हैं। वेल्स एक्सचेंजेस से $1 बिलियन से भी ज्यादा के बिटकॉइंस मूव करते हैं। मूनपे ने यूक्रेन, रूस और बेलारूस में अपनी सर्विसेज बंद कर दी। गोल्डमैन सैक्स अपने क्रिप्टो संबंधित सेवाओं का विस्तार करना चाहता है। ग्लोबल स्नीकर्स ब्रांड स्केचर्स ने ड्री सेंट्रल लैंड में फैशन स्ट्रीट स्टेट में अपना एक्सपेरिमेंटल स्टोर बनाने की राह पर है। स्केचर्स ने ड्री सेंट्रल लैंड मेटावर्स में स्थित फैशन स्ट्रीट स्टेट में एक डीमवर्स स्टोर विकसित करने के लिए मेटावर्स ग्रुप के वर्चुअल लैंड में 5,000 स्क्वायर फीट की एक जगह लीज पर ली है। शिपबन ट्विटर अकाउंट द्वारा साझे किए गए डेटा से ये पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में शिप समुदाय ने 16.4 शिप टोकन्स बर्न किए। इस प्रकार से उन्हें प्रचलन से हटा दिया गया। क्रिप्टो की उस राशि को 5 ट्रांजैक्शंस में स्थानांतरित किया गया था। 2021 के अंत में 1 मिलियन के माइलस्टोन तक पहुंचने के बाद शिबा इनु ने तब से लगभग 200,000 नए धारक जोड़े हैं। वेबसाइट्स के आंकड़ों के अनुसार शिबा इनु की वर्तमान कुल धारक की संख्या 1.197 मिलियन है, जो कि पिछले आंकड़ों से वृद्धि दर्शाती है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता में वृद्धि के साथ न्यूयॉर्क शहर में स्थित नाइट क्लब समवेयर नोवेयर अपने सेवाओं के लिए क्रिप्टोकरेंसी भुगतान स्वीकार करना शुरू कर रहा है। लाउंज जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए प्रमुख है, शहर में नाइट क्लब और उसके रूफटॉप पूल क्रिप्टो भुगतान के सक्षम करने के लिए कॉइनबेस के साथ सहयोग कर रहा है। विकास के साथ संरक्षक बिटकॉइन और इथेरियम के साथ भुगतान करने के लिए सक्षम होंगे, जिस तरह से वो अपने क्रेडिट कार्ड के साथ करते हैं। लग्जरी स्पॉट जो टॉप क्लाइंट्स की मेजबानी करता है, दुनिया के विभिन्न पार्ट से आने वाले अपने मेहमानों के लिए सुविधा की एक और परत जोड़ने के लिए उत्सुक है। ESPN मेजर लीग बेसबॉल रिपोर्टर जेफ पैसन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा समाचार दिवस कहा, स्कैमर्स ने NFT को बढ़ावा देने के लिए उनके ट्विटर अकाउंट को हाईजैक कर लिया। MLB और प्लेयर्स एसोसिएशन के साथ एक श्रमिक सौदे पर लंबे समय से गतिरोध में लगे हुए, जिसके परिणाम स्वरूप रद्द किए गए गेम हुए। पैसन ने अंतरराष्ट्रीय मसौदे से संबंधित दोनों पक्षों से जुड़े एक महत्वपूर्ण समझौते की खबर तोड़ी थी। सिंगापुर में मौजूदा टैक्स नियम NFT से जुड़े लेन देन पर लागू होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर लेरिस वेंग ने शुक्रवार को कथित तौर पर यह कहा, लेकिन उनका आवेदन टोकन की प्रवृत्ति और उपयोग पर निर्भर करेगा। विशेष रूप से जो व्यक्ति NFTs को अपने इनकम के लिए लेन देन या ट्रेड करते हैं, उनके लिए यह टैक्स लागू होगा। AFCA ने देश में क्रिप्टोकरेंसी ATM के सभी ऑपरेटरों को आदेश दिया है कि वो अगर कानूनी कार्रवाई से बचने की उम्मीद करते हैं तो वो यूजर्स के लिए अपनी मशीनों को तुरंत बंद कर दे। यह आदेश ब्रिटेन में सभी बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी कैश पॉइंट को संदर्भित करता है, क्योंकि उन्हें UK मनी लॉन्डरिंग रेगुलेशन और AFC द्वारा आधिकारिक अनुमोदन की कमी के तहत अवैध घोषित कर दिया गया है। फाइनेंशियल वॉचडॉग ने शुक्रवार 11 मार्च को अपनी वेबसाइट के ऊपर इस नोटिस को जारी किया। इनटू द ब्लॉक के अनुसार जैसे ही वेल टियर वॉलेट्स में सिक्कों का अक्यूमुलेशन 6.8% से बढ़ जाता है, डोजकॉइन अक्यूमुलेशन रेट बढ़ जाता है। संचय दर में वृद्धि सबसे अधिक संभावना उस बड़ी छूट से आती है जिसके साथ डोजकॉइन ट्रेड करता है। जैसे कि इनटू द ब्लॉक के डेटा से यह पता चलता है कि एसेट पिछले साइकिल की तुलना में कम लाभदायक हो गई है। रिकॉर्डिंग के समय सभी ट्रेडर्स और होल्डर्स में से केवल 54% डोज रखने से लाभ कमा रहे हैं, जबकि यही मैट्रिक एक महीने पहले कम से कम 70% दिखाया गया था। कनाडा के एक पूर्व सरकारी कर्मचारी सेबेस्टियन वेचन को नेटवायर रैंसमवेयर से संबंधित आरोपों में USA में गिल्टी प्रूफ किए जाने के संबंध में 28 मिलियन
बिलियन डॉलर से भी अधिक मूल्य की क्रिप्टो करेंसी जब्त की गई। न्याय विभाग डीओजी के अनुसार वैकॉन्डेरा जिस पर क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश में और उनकी कथित भागीदारी से उत्पन्न एक सुरक्षित कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने से संबंधित उनको आरोपी घोषित किया गया, जिसके अंडर 28 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो करेंसी फंड्स को जब्त किया गया।